हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर जो आपका लॉक स्क्रीन टाइम होता है उसे चेंज करना हो, इंक्रीज़ करना हो तो कैसे करेंगे। आपके फ़ोन के अंदर जो लॉक स्क्रीन टाइम है उसे कैसे उसका टाइम इंक्रीज़ करना है, आपके फ़ोन के अंदर जो लॉक लगता है वो कितने मिनट बाद लगना चाहिए, इसी वीडियो में आपको बताएंगे कैसे उसे सेट कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर ऑटो स्क्रीन ऑफ के लिए सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दो मिल जाता है डिस्प्ले, डिस्प्ले में आपको क्लिक कर देना है। डिस्प्ले में आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो इसमें आपको एक ऑप्शन दो मिल जाता है स्क्रीन टाइम आउट, स्क्रीन टाइम आउट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसमें आपको हमारा 30 सेकंड पर सेट है, 15 सेकंड से लेकर आपको 30 मिनट तक का टाइम इसमें देखने के लिए मिल जाता है। अब जो भी आप इसमें सेट कर देंगे उतने टाइम के बाद आपके फ़ोन के अंदर लॉक लग जाता है। 30 सेकंड पे है, इसे हम अपने फ़ोन के अंदर 2 मिनट पे सेट कर देते हैं। अब आपका फ़ोन 2 मिनट तक स्क्रीन जो आपकी है वो ऑन रहेगी, चाहे आप कहीं पर भी छोड़ सकते हैं इसे। उसके बाद 2 मिनट के बाद आपके फ़ोन के अंदर लॉक लग जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर जो अपने लॉक स्क्रीन टाइम है इसे चेंज कर सकती हैं। तो हमने इसे 2 मिनट पर सेट कर दिया। अब 2 मिनट तक हमारे फ़ोन की स्क्रीन ऑन रहेगी, उसके बाद लॉक लग जाएगा। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपने लॉक स्क्रीन टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।